देखो बच्चों, ये हो गया हमारे पास में y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में x एक्सिस, ठीक है। हमने पार्टिकल को यहां से थ्रो किया ऐसे, पार्टिकल की जो स्पीड है हमारे पास में, बिल्कुल ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि भाई पार्टिकल की जो स्पीड है हमारे पास में वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये पार्टिकल यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका गया है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास में। आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि इनिशियल पॉइंट है हमारे पास में ये, ओके, हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास में ये, और फाइनल पॉइंट है हमारे पास में ये। क्या तो मोशन की इक्वेशन हम यहां से यहां तक लगाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में, या हम मोशन की इक्वेशन यहां से यहां तक लगाएंगे? हम पूरे में मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं बच्चों। कारण यह है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कारण यह है क्योंकि मोशन की जो इक्वेशन है ना वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और बॉल का ऊपर नीचे आना, यानी मैं सीधे तौर पे कहूं तो मोशन की इक्वेशन एक डायरेक्शन में लगेगी, यहां दो डायरेक्शन हो रही है, बॉल ऊपर जा रही है फिर ऊपर से नीचे आ रही है, दो डायरेक्शन हो रही है ना, तो एक इक्वेशन एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई हो सकती है बच्चों। क्या तो आप मोशन की इक्वेशन को ऊपर जाते हुए लगा सकते हैं, या आप मोशन की इक्वेशन को नीचे आते हुए लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां कितनी वेलोसिटी होगी। भाई ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। चलिए एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं कितना होगा, 20, ये 30 डिग्री है, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस का टर्म आता है, ये हो गया कॉस 30। सो 20 कॉस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, कैंसिल आउट, आंसर बना हमारे पास में टेन अंडर रूट थ्री मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है बच्चों बात, एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। अगर यहाँ एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो यहाँ पर भी एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी ही होगी, 10√3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी ही होगी, 10√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर आप लेट करें बच्चों, आगे की तरफ यानी आगे जाने वाली जो वेलोसिटी होगी ना वो इतनी ही होगी। समझ आ रही बच्चों बात, आगे की तरफ की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी ही होगी, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं वाई की डायरेक्शन में। भाई ये अपने पास में 20 है, ये 30 डिग्री है, यहाँ एंगल मार्क नहीं है, तो इधर बनेगा 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल आउट, ये बना 10, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी हमारे पास में वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होने वाली है बच्चों। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, हम आपको पहले ही कह चुके हैं भाई, हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जीरो वेलोसिटी होती है, और यहाँ वेलोसिटी बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बिल्कुल उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पर होगी, बस फर्क इतना होगा कि माइनस में होगी, माइनस के 10 होगी। तो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और सच बताऊँ तो ये तीन पॉइंट की वेलोसिटी ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तीन पॉइंट की वेलोसिटी ही हमारे लिए बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए कि हम लोगों को इस पॉइंट पर यहाँ y की डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, और ये कहा कि जो जर्नी स्टार्ट होती है वो टाइम इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है, और यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं टाइम इक्वल टू एक सेकेंड पर। जर्नी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, टाइम इक्वल टू जीरो से, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, एक सेकेंड के बाद हम यहाँ पहुँच गए, हमें बताना है कि यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो है हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड, है ना 10 मीटर पर सेकेंड, ये है फाइनल वेलोसिटी। समझ आ रही बात, तो मैं देखूंगा कि यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी वाई की डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाई टी।
मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि मैं वाई की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इसीलिए यू वाई यानी यहां इनिशियल पॉइंट पर वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी। ए वाई, ए वाई क्या होता है? अरे क्या होता है ए वाई? ए वाई होता है बच्चों एक्सीलरेशन। मान लीजिए कि टाइम हमें 1 सेकेंड ना देकर 0.5 सेकेंड दिया है, ठीक है। ए वाई का मतलब है वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी के बराबर होता है। अब आप देखो बच्चों, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 10, ए वाई की वैल्यू माइनस के 10, टाइम की वैल्यू 0.5, हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी बच्चों। आगे की तरफ होगी 10√3 और ऊपर की तरफ होगी 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है बात? अब मान लीजिए कि हम यहाँ पहुँच गए भाई, हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो टाइम है वो कुछ भी टाइम आपको दे दिया, मान लो टी टाइम दे दिया। ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो टाइम है वो टी टाइम है। तो देखो नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी होगी मेरे पास में वी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस के जी और टाइम की वैल्यू है टी, यहाँ वेलोसिटी होगी माइनस के जी टी के बराबर। ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ, इनिशियल पॉइंट पर एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 10√3 और वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नोट करिए, अभी हमें बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बच्चों, हमें बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करना है, तभी हम अच्छे से बता पाएंगे कि भाई क्या टॉपिक किस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो आगे, यह है x और यह है y, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को ना सुनिएगा। लो भैया, पार्टिकल कुछ ऐसे मोशन कर रहा है, हमने पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, ओके, विद मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा बच्चों, विद मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपको हमें क्या बताना है? आपको हमें ये बताना है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होने वाली है, ठीक है। कैसे बताएंगे ज़रा देखते हैं। ये क्या है 20 और ये क्या है 60, ये इनिशियल पॉइंट है। इधर चला जाएगा 20 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल आउट, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि वाई की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी। ये 20 है, यहाँ एंगल नहीं बन रहा है, तो ये बनेगा 20 sin 60, 20 sin 60 की वैल्यू √3/2, हमारे पास में वैल्यू आ गई 10√3 मीटर पर सेकेंड, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 10√3 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है बच्चों बात? अच्छा भाई, हम लोगों ने ये माना 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद हम यहाँ पहुँच गए। ये सारी बातें ना बच्चों आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए है। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट पर हमारे पास में कितनी वेलोसिटी होंगी? हम कहेंगे इस पॉइंट पर हमारे पास में 2 वेलोसिटी होंगी। एक वेलोसिटी होगी आगे की तरफ, यहाँ आगे की तरफ कितनी है 10, तो यहाँ भी आगे की तरफ कितनी होगी 10। एक होगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ निकालने के लिए हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है ये, वाई के डायरेक्शन में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं बच्चों। कैसे लगाएंगे ज़रा देखिए, वाई की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10√3। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट पर वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 10√3, वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है माइनस के 10,
टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड, ये दे रखी है। यहाँ टाइम 0, यहाँ 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड आने में लगा है। वाई की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना बच्चों, भले ही आप इस रास्ते से होकर जा रहे हो, नो मैटर, हम वाई की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये लगाया है। टेन कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू मैंने मान ली है 1.7 माइनस 1, आंसर बनेगा 7 मीटर पर सेकेंड, यानी ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो होगी 7 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बात बताइए, आगे की तरफ जो वेलोसिटी है वो तो है 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है 7 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। रिजल्टेंट जाएगा बीच में और रिजल्टेंट निकालने का तरीका होगा, देखो एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में जाएगा। रिजल्टेंट निकालने का तरीका 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, सो आंसर इज अंडर रूट 149 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट पर जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होने वाली है ना बच्चों, वो होने वाली है अंडर रूट 149 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में तो मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि u cos थीटा क्या है, u sin थीटा क्या है, इनिशियल पॉइंट पर स्पीड कितनी रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी रहेगी, फाइनल पॉइंट पर स्पीड कितनी रहेगी, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकालनी है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आप